नमस्कार। धर्म, आध्यात्म और दर्शन की भूमि बनारस। आप तमाम दर्शकों का मैं अखिलेश आनंद यहां से स्वागत करता हूं। मेरे पीछे कलकल बहती गंगा। और बनारस ना सिर्फ अब धर्म आध्यात्म की नगरी है, बल्कि आपको पता है ये सियासत के केंद्र में भी है। और वजह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो पिछले दो बार से यहां से सांसद हैं, एक बार फिर से इसी रणभूमि में हैं। और उनके सामने कांग्रेस के उम्मीदवार हैं अजय राय, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों के उम्मीदवार। बनारस में इस बार क्या होगा, यह देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा। और मैं ये भी आपको बता दूं कि कल प्रधानमंत्री मोदी यहां पहुंचने वाले हैं, उनका रोड शो होना है, नॉमिनेशन भी करेंगे। इन तमाम मसलों पर हम बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक रिपोर्ट दिखाना चाहता हूं कि आज सियासी गलियारे में किस तरीके से जबरदस्त वार पलटवार हुआ है, कैसे सियासी बाण एक दूसरे पर दागे गए हैं, वो रिपोर्ट देखिए। उसके बाद बनारस की जनता यहां पर देखिए मौजूद है। ये काशी का 80 घाट है, जरा महादेव जी का जयकारा होना चाहिए। एक बार और आवाज पहुंची नहीं वहां तक। ये हर हर महादेव का जयकारा जो आपने सुना, यहीं से सियासी गुफ्तगू की मैं शुरुआत करना चाहूंगा। पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देखिए। मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को रिटायर होने वाले हैं। मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी से और अमित शाह जी से, ये मोदी की गारंटी पूरी कौन करेगा? मेरे वारिसों, आप सब मेरे देशवासी हैं। आपके अलावा इस दुनिया में मेरा कुछ भी नहीं है। एक भी नेता ने ये नहीं कहा कि योगी जी को नहीं हटाया जाएगा। योगी जी को अपने दो महीने में चुनाव जीतते ये लोग हटाएंगे। झूठ बोलने में माहिर हैं। दो तारीख के लिए बेल मिला है, उनको एक को सरेंडर करना है जी। लगभग जो है 140 सभाएं हमने किया है, यानी हम अकेले इन सब पे भारी पड़ रहे हैं। गांव से बीजेपी एकदम साफ हो चुकी है। राहुल बाबा रायबरेली की जनता को जवाब दे, ट्रिपल तलाक आप वापिस लाना चाहते हो क्या? आप सर्जिकल स्ट्राइक का समर्थन करते हैं या नहीं करते? राम मंदिर में आप दर्शन करने क्यों नहीं गए? धारा 370 हटाने का आप समर्थन करते हो या नहीं? सरकार कांग्रेस 55 सालों में कांग्रेस पार्टी कभी इस दुनिया की सबसे अमीर पार्टी नहीं बनी। 10 सालों में भाजपा सबसे अमीर पार्टी बन गई। बहुजन समाज के लोग अपना वोट खराब ना करें। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जो संविधान है, उसको बचाने के लिए इंडिया गठबंधन की मदद करें। पाकिस्तान इन इंडिया गठबंधन का देने मिलता झोंका दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह संसदीय क्षेत्र है, और यहीं से अब आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। यहां की जनता मेरे साथ है, और एक बार और जयकारा हो जाए, जरा दिल्ली तक आवाज पहुंचनी चाहिए। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। महादेव जी की नगरी से बातचीत की शुरुआत करूं, उससे पहले मैं अपने जो यहां पर गेस्ट है उनसे आपका परिचय करवा दूं। संजीव सिंह जी मेरे साथ कांग्रेस के नेता मौजूद हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका। देवानंद सिंह जी हैं भारतीय जनता पार्टी से, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और मनोज राय धूपचंडी जी हैं समाजवादी पार्टी से, आप तीनों का बहुत स्वागत। और पहला सवाल कांग्रेस के नेता से ही है, दो बार से तो आप लोग यहां पर चुनाव हार रहे हैं, और अब देश में जो राजनीति हो रही है उसका एक तरीके से आप केंद्र कह लीजिए बनारस को, चूंकि प्रधानमंत्री का यह संसदीय क्षेत्र है। अब समाजवादी पार्टी भी इस बार आपके साथ है, कुछ उम्मीद है क्या? बिल्कुल उम्मीद है, पूरा देश आज इस तानाशाही के फासिस्ट सरकार के खिलाफ खड़ा है। नरेंद्र मोदी जी के संसदीय क्षेत्र की मैं दुर्घटनाएं गिनाने लगूंगा तो आपके शो का समय समाप्त हो जाएगा। जिस माँ गंगा के तट पे हूं, माँ कहा था माँ को भी छलने से पीछे नहीं हटे। बगल में बीएचयू में आज यहाँ का जाना माना कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर ओम शंकर आमरण अनशन पे बैठा है, जो भ्रष्टाचार के तले बीएचयू चल रहा है, जो संघ के मुख्यालय से यहाँ वीसी है, आज सुन नहीं रहा है। यहाँ पे आज सोचिए ये हालत है। दूसरी तरफ अजय राय जी के लेकर के कह सकता हूँ, वो काशी की राय अजय राय है, इसलिए कि काशी का बेटा लड़ता रहता लोगों के लिए।
चुनाव दो बार से तो आप जनता को ये नहीं समझा पा रहे, इस बार कैसे लगता है कि समझा लेंगे? अति आत्मविश्वास तो नहीं है? मुझे लगता है कि जो जिन लोगों ने नकली चाय बेचने का ड्रामा वडनगर से किया, दो बार जनता चाय पीती आशुतोष जी, तीसरी बार चाय जहर होती, तीसरी बार बनारस जनता नहीं पिए चाय, आज भी पी रही है। और मैं बताना चाहता हूं कांग्रेस के हमारे मित्र को कि कांग्रेस पार्टी ने यहां काशी की जनता है दो बार नहीं हार रहे हैं, ये सन 90 के बाद 91 के बाद यहां पे कांग्रेस का भारतीय जनता पार्टी का काशी में कब्जा रहा है और पूरा काशी भारतीय जनता पार्टी में रही है। और मैं अखिलेश आनंद जी बताना चाहता हूं आप कि आज पूरे देश में, पूरी दुनिया में हमारा देश, हमारे सांसद नरेंद्र मोदी जी ने भारत के गौरव को जो बढ़ाया है, आज पूरी दुनिया में 70 सालों में कांग्रेस ने क्या किया है, मोदी जी यहीं आ रहे हैं, 70 सालों में कांग्रेस ने देश को लूटा है, 12 लाख करोड़ रुपए का इन्होंने भ्रष्टाचार किया है। आज एक आरोपी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग नहीं लगा सकते। जहां तक इनके कैंडिडेट की बात है, इनके कैंडिडेट जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं, आप देखिएगा कि उनकी जमानत जब्त काशी में हो जाएगी। काशी की मैं आता हूँ आप लोगों के पास भी आऊंगा, जिसे अपनी बात रखनी हो हाथ उठाइएगा, मैं आता हूँ आप लोगों के पास। लेकिन पहले समाजवादी पार्टी के नेता से इसी पर एक प्रतिक्रिया, अब तो आप लोग भी कांग्रेस के साथ आ गए फिर भी कह रहे हैं कि जमानत जब्त हो जाएगी कांग्रेस की। देखिए ये जुमलेबाज हैं भाजपाई और ये लगातार जुमला बोल रहे हैं, 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया ये बताए नहीं, चिल्लाए। ये जुमला है तो आपको क्या लग रहा है कि अजय राय जीत जाएंगे? मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, मैं क्रम वाइज आऊंगा, जहां आप जानना चाहते हैं मैं वहां पहुंचूंगा। 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया देश में, कितने एम्स बनाए, कितने IIT बनाए, कितने IIM बनाए, इस चीज की चर्चा ये नहीं किए। ये चिल्लाते रहे माँ गंगा का बेटा बन के आया, बगल में नाला बह रहा है, क्यों नहीं नाला बंद कर पाए भाई? बनारस इंडस्ट्री में लड़कियों के असमत के साथ रात को 2 बजे खेला जाता है और भारतीय जनता IT सेल के लोग 1 महीने बाद पकड़ा जाते हैं। ये बनारस इंडस्ट्री के अध्यक्ष रहे हैं, मैं समझता हूं कि इनको भी उस पर शर्मिंदा होना चाहिए और ये कहना चाहिए कि मेरी सरकार से गलती हुई। दूसरी बात कह रहे हैं कि आपको इस पर शर्मिंदा होना चाहिए, जल्दी से जवाब फिर मैं आ रहा हूं पब्लिक के पास जाऊंगा। नहीं, किस बात के लिए शर्मिंदा होना चाहिए? जो लोग पकड़े गए भारतीय जनता पार्टी ने उनको कभी बचाया नहीं, जो लड़के जेल गए, और ये कांग्रेस समाजवादी पार्टी के लोग इनके राष्ट्रीय प्रवक्ता, कांग्रेस की महिला राष्ट्रीय प्रवक्ता बहन के साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेतों ने छेड़छाड़ छत्तीसगढ़ में किया, आज वो छोड़ के भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। जानते हैं ये सपा के लोग और कांग्रेस के इनके राष्ट्रीय नेता। मैं आता हूँ इस पे, मैं इसे आता हूँ, इधर से कुछ लोग अपनी बात रखना चाह रहे हैं। खड़े हो, ये बोलिए सर। हमारे सपा के नेताजी जो कह रहे थे बगल में नाला बह रहा है, 128 करोड़ का प्रोजेक्ट था सपा की सरकार, ही सारा पैसा खा गए, नाले का कल पुर्जा बेच गए, आज मोदी सरकार आई है कि नाला है और आप कह रहे हैं कि नाले का पैसा सपा वाले खा गए। हमसे कम वो रिफाइनिंग हो रहा है, वहाँ पे प्लास्टिक और गंदगी को रोका जा रहा है, लेकिन वो प्रोजेक्ट उस समय का है जब इन्होंने 128 करोड़ रुपया बेच के खा गया। अब तो काफी समय से डबल इंजन की सरकार है। रही बात आज जो जेन्युइन है, सड़क से चांद खड़े हो जाइए, बोलिए क्या? नाला अभी भी बह रहा है और जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं, इन्होंने 150 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। अब जो यमराज जी की फोटो वो हटा दी गई, ऐसा क्यों हटा दी? सर्टिफिकेट से मैं पूछ, वैक्सीन वाला जो विवाद है उस पर कह रहे हैं। हाँ, इधर से किसी कुछ कहना था, जल्दी सामने आइए, बोलिए अपनी बात रखिए। मैं छात्र नवीन कुमार पाठक, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। मेरे पास हार्ड कॉपी में सबूत है कि भ्रष्टाचार के संदर्भ में कि आपके RSS के जो लोग हैं भाजपा के आड़ में और माननीय नरेंद्र मोदी के आड़ में, ये जो टिप्पणियां हो रही हैं, ये सब के कारण बिंदु केवल अल्पसंख्यक RSS और संघ से जुड़े लोग जो सरेआम भाजपा के नाम पे भ्रष्टाचार को अंजाम दे रहे हैं, जिसकी हार्ड कॉपी मेरे पास है कि वो अंजाम देते आ रहे हैं। सवाल क्या है आपका? सवाल पूछिए। सवाल मेरा ये है कि क्या नरेंद्र मोदी हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, क्या हमारे जो अखिलेश यादव जी, क्या जो योगी जी हैं हमारे मुख्यमंत्री वर्तमान में, ये सभी लोग कहाँ हैं अभी? पीछे कहाँ है पूछ रहे हैं। इधर से किसी को कुछ कहना था? हाँ बोलिए, खड़े हो जाइए। सर जी, मेरा ये माननीय नेतागण लोग से जानकारी जानना चाहता हूँ कि यहाँ पर 80 नदी के नाम पर जो आम जनता के घर गिराने की बात कर रहे हैं, क्या ये अभिलेखी कोई साक्ष्य है? हर मौजे में नाला दर्ज है,
और ये असी नदी के नाम पर 5 किलोमीटर दूर तक के लोगों का घर गिराने का कार्य कर रहे हैं। कोई ऐसा साक्ष्य नहीं है, इस पर क्या कहेंगे? आप क्या बोलना चाह रहे? छोटे में बोलिए, इतना लंबा नहीं बोलते, छोटे में रखिए अपनी बात। वो बार से मैं PhD लिखित और मौखिक दोनों परीक्षाएं उत्तीर्ण करते आ रहा हूँ, जो कि हमारे संकाय के एक प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर उपेंद्र त्रिपाठी, जिनके पिताजी भी संघ के रहे हैं और वो भी संघ से जुड़े हुए हैं। उन्होंने हमारे प्रश्नों के उत्तर में हेर फेर भी किया है और हमारे लिखित प्रश्नों के उत्तर चाह रहे हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए। जांच होने के लिए हमने 40 RTI BHU को लिखा, जिसके पक्ष में जांच नहीं हो पा रही है। एक भी RTI की जवाब तक नहीं मिली, जो कि भारत के संविधान की अवहेलना है। चलिए इधर से, हाँ महिलाएं भी कुछ है, कुछ कहना चाह रही थी आप? हाँ कुछ बोलना चाह रही थी आप? कौन प्रधानमंत्री बनेंगे? प्रधानमंत्री बनने के लिए तो, क्योंकि अभी जिस रास्ते से हम आ रहे थे, हमें लगा किसी की बारात आ रही है। शहर में ब्यूटी पार्लर बैठा हुआ है, शहर को सजाया जा रहा है, और ये, लेकिन ये पैसा किसका, ये तो हम लोग से अधिक आप लोग जानते हैं। पैसे शहर सज रहा है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है? सजा आज अचानक क्यों सज रहा है? अच्छे 3 दिनों से, 4 दिनों से पहले से नहीं सजा हुआ? पहले बनारस हमारा नहीं था, बनारस आज है। खाली 2-4 चीजों का चिकना चुपड़ी कर दीजिए, कह दिया आपका हो गया। ये चीजें हैं, गलत बात है। युवा को रोजगार नहीं मिल रहा, और युवा को रोजगार मिलेगा तभी हमारा देश विकसित होगा, और किसानों को भी कुछ मिल नहीं मिल रही, किसान भी बहुत ज्यादा परेशान है, इसलिए हम महंगाई से भी खाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री को असलियत दिखाइए ना। 2-3-4 राउंड में इलेक्शन खत्म होता तो ऑल इंडिया का आजकल। इधर आइए, आप क्या कहना चाहिए? इधर आइए। खाली हो जा रही है, जवान नहीं रह रहे हैं, सारे को चुनाव पीरियड में लगा दिया जा रहा है, अग्निवीर को रखा जा रहा है। बहुत अधिक सारे नाले, गंदे नाले भर दिए गए हैं, अधिकांश तो सफाई हुई है। मेरे घर के सामने ही नाला था, वहाँ रोड बन गया है, बहुत अच्छा। जैसे अपने घर के कहीं भी होटल में जाइए, वैसा रोड गली गली मैंने देखा है। मतलब शहर सुंदर साफ दिख रहा है, आपको लग रहा है? पहले से हुआ, एक्सलेंट वर्क बाय मोदी जी। मैं रहने वाली हूँ यहाँ पे, 80 वरुणा नदी बहती थी, आज वो कवर होकर के क्या उसका हाल हो गया है? सारे मकान बन गए, होटल बन गए, इसके लिए कहाँ कौन जिम्मेदार है? ना नगर निगम सो रहा है। ये अभी कवर हो गया, हाल के दिनों में कभी नहीं कवर हुई, इन्हीं लोग के 10 सालों के अंदर ज्यादा कवर हुआ है। रामनगर का पुल 60 साल तक नहीं बना, बना तो योगी सरकार में, किसी ने पुल का निर्माण नहीं किया। ठीक है, हाँ बोलिए बोलिए। सर सच्ची बात ये है कि वास्तविकता ये है, हम बनारस के नागरिक हैं, मोदी जी के कार्यकाल में जितना सुंदर कार्य बनारस का हुआ है, कायाकल्प हो गया है, कायाकल्प हुआ है सर। अलग बात है कि हमारा पेट न भरे, हमारी अभिलाषा बढ़ती जाए, लेकिन बहुत ही बेटर बेहतरीन काम हुआ है, और प्रधानमंत्री इन्हीं को होना चाहिए। देखिए देश के अंदर मीडिया का देश के अंदर सबसे बड़ा रोल है, और जो सरकार अभी तक 10 साल से माननीय प्रधानमंत्री जी जो सरकार चलाते हैं। आप लोग झगड़ा मत करिए, क्या कहना चाह रही? इधर आइए, आप इधर आ जाइए, झगड़ा मत करिए आपस में। हाँ बोलिए। प्रधानमंत्री जी आज 10 साल से इस सरकार में प्रधानमंत्री हैं पूरे देश के अंदर। आज जो बेरोजगारी का मुद्दा पूरे देश के अंदर है, उस पर ना आपके द्वारा बात होती है, ना सरकार के द्वारा बात होती है। आप बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे? बेरोजगारी का मुद्दा उठा रहे हैं कि नहीं उठा रहे हैं? आपके थ्रू बात, ABP न्यूज के कैमरे पर ही बोल रहे हैं ना आप, इसी जरिए पहुंचा रहे हैं बात को, और पहुंचा रहे तो ये मत बोलिए कि नहीं जाती है बात। हर साल जो बताया गया कि 2 करोड़ हम नौकरी देंगे, वो 2 करोड़ का मुद्दा कहां गया? किसानों का कहां गया? आज ये छोटी छोटी बातों पर उलझाया जा रहा है, मंगलसूत्र, तमाम तरह की बातें, देश के अंदर लोग इनसे घबरा गए हैं। अब ये क्या कहना चाहिए? खड़े हो जाइए। इधर किसी को कुछ कहना है क्या? इधर, हाँ बोलिए, क्या बोलना चाह रहे? सर मेरा सवाल BJP प्रवक्ता महोदय से है, एक क्वेश्चन ये है कि क्या इस बार सरकार में आएंगे तो पेपर लीक नहीं होगा, इस बात की गारंटी दे सकते हैं मोदी? पेपर लीक नहीं होगा, गारंटी देंगे आप। मैं आ रहा हूँ, हाँ इधर जी। देखिए हम सबसे यही कहना चाहते हैं कि आज से पहले चाहे अभी, हमको जन बढ़त विकास तभी होगा जब हम चाहेंगे। दूसरी चीज कि मोदी जी से हम इस बात पर खुश है, जोगी जी से, कि जो भी आज के डेट में हमारी बेटी बहन बहू घर के हैं, आज के डेट में अपने आप को बहुत सुरक्षा फील कर रही है। अच्छा। इसलिए कर रही है कि शिक्षा के मामला में चाहे जहां भी, आज के डेट में अकेले कहीं बिंदास हो जा सकते, लेकिन किसी की हैसियत नहीं है कि उंगली उस पर टच करके दिखा दे। इधर से किसी कुछ कहना है क्या? हाथ उठाइएगा किसी कुछ कहना हो तो। हाँ ले रहा हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय से पूछना चाहता हूं कि ये जो है कि बात करते हैं महिला सुरक्षा की, और इनके एक गठबंधन के प्रत्याशी
कितने महिलाओं के साथ बलात्कार किया रेवन्ना जी, और इनके एक उत्तर प्रदेश के ही प्रत्याशी हैं आदरणीय भूषण जी, जिनके पुत्र को इन्होंने टिकट दिया है। जवाब दीजिए भाई, बीजेपी के नेता हमारे साथ हैं, ये पसीना पोंछ रहे हैं आप गर्मी की वजह से या सवाल की वजह से? भारतीय जनता पार्टी, आपने देखा होगा पहले भी मैंने कहा, दो सवालों का मैं जवाब दे दूं। एक अभी सवाल उठा था एसटीपी का, और मनोज राज ने अभी उठाया था गंगा सफाई का। मैं अखिलेश जी बताना चाहता हूं, आप रिकॉर्ड देख लीजिएगा कि सन 84 में गंगा सफाई अभियान के लिए पैसा देना शुरू हुआ है कांग्रेस के शासन में, और 27 सालों में इन्होंने 27,000 करोड़ रुपया दिया और सारा बंदर बांट हो गया, सारा लूट हो गया। पहली बार गंगा के लिए जो पैसा आया है सारा पैसा इस देश में गंगा की सफाई के लिए लगा है। एसटीपी लगे यहाँ पे, एसटीपी प्लांट लगे आप जानते हैं, और पेपर लीक के लिए नौजवान की बात मैं बता रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो 100% मैं आपके साथ वादा करता हूँ कि एक भी पेपर लीक अगर हुआ, सर अभी भी तो आप ही की सरकार है, आज भारतीय, क्योंकि पूरे देश में ये समस्या पूरे देश की है और इस पर हम ध्यान देंगे। चलिए मैं चर्चा को आगे बढ़ा रहा हूँ, एक मिनट संजीव जी, क्योंकि देश भर में लोग हमें सुन रहे हैं तो कुछ राष्ट्रीय मुद्दों को भी लाना चाहता हूँ, और अमित शाह जी ने आज राहुल गांधी जी से कुछ सवाल पूछे हैं, 5 सवाल मैं एक एक करके आपसे पूछ रहा हूँ, उसका जरा जवाब दीजिएगा। राहुल जी देना दे, ट्रिपल तलाक खत्म किया क्या कांग्रेस वापस लाना चाहती है, या अमित शाह पूछ रहे हैं आप लोगों से? मुझे लगता है कि इस देश के जननायक राहुल गांधी जी ने स्पष्ट कहा कि मैं नरेंद्र मोदी के साथ 1-to-1 मैं बात करना चाहता हूं, इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। ट्रिपल तलाक खत्म किया क्या आप वापस लाएंगे, ये पूछ रही है बीजेपी। हाँ मैं फिर कह रहा हूं कि वो जिस भी मुद्दे पे बात करना चाहते हैं, मुद्दा नहीं आपके मुताबिक ट्रिपल तलाक, कि आपके जितने मुद्दे हैं वो बिल्कुल राहुल गांधी तैयार हैं। दूसरी तरफ जो सवाल उठा है आप नहीं जवाब देंगे, कह तो रहा हूं कांग्रेस के प्रवक्ता है बोलिए तो, वो कह रहे हैं कि ट्रिपल तलाक को खत्म किया क्या कांग्रेस वापस लाएगी। मैं क्या कह रहा हूँ, हमारे मैनिफेस्टो को पढ़ लीजिए, पहले सुन लीजिए, मैं तो बोलता नहीं हूँ बीच में, थोड़ा सा पेशेंस रख के। माँ कहा गंगा को 1600 करोड़ रुपए सुभाष चंद्रा से लेकर, ट्रिपल तलाक टच नहीं करना चाह रहे आप देखिए सवाल सर मैं आप पूछ रहा हूँ जवाब आप इमली दे रहे हैं। कह रहा हूँ आप ट्रिपल तलाक का मुद्दा हो गया, राम मंदिर का मुद्दा हो गया, गंगा के नाम पे प्रदूषण का मुद्दा हो गया, बेरोजगारी का मुद्दा हो गया, चीन की घुसपैठ हो गई, सारी चीजों पे हमारे नेता राहुल गांधी बात करने को तैयार है। अमित शाह को हिम्मत है तो वो 1-to-1 किसी चैनल पे आकर बात, 1-to-1 की बात कर रही है जवाब नहीं देंगे। समाजवादी पार्टी के नेता से अगला सवाल, यूसीसी होना चाहिए कि नहीं, बेरोजगारी खत्म होनी चाहिए कि नहीं, अमित शाह जी ने पूछा है आप लोगों से। अमित शाह जब रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, पेपर लीक नहीं दे पा रहे हैं, जिस गांव का लड़का गरीब मध्यम वर्गीय परिवार का, यूसीसी पे नहीं बोलिएगा, मेरी बात तो पूरी सुन आजने दीजिए, गरीब मध्यम वर्गीय परिवार का लड़का सुबह 4 बजे उठ करके मेहनत करके सेना में जाने की बात करता था, उसको 4 साल कर गया सेना की नौकरी 4 साल की, और अपने प्रधानमंत्री 15 साल है, ये कौन सा नियम है भाई। एक और सवाल पूछा उन्होंने कि सर्जिकल स्ट्राइक का समर्थन करते हैं कि नहीं, सर्जिकल स्ट्राइक रोजगार देने के लिए क्यों नहीं करते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक महंगाई खत्म करने के लिए क्यों नहीं करते हैं, पापा वार रोकते हैं लेकिन पापा पेपर लीक नहीं रोकते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक पे नहीं बोलिएगा, सर्जिकल स्ट्राइक पे नहीं बोलिएगा आप, पापा पेपर लीक, सर्जिकल स्ट्राइक पे नहीं बोलिएगा, पापा बेरोजगारी पे स्ट्राइक नहीं बोलेंगे। इनके आज हितैषी पाकिस्तान और चाइना हो गए। आज मैं देश की जनता से कहना चाहता हूँ कि यह चुनाव 24 का यह चुनाव हिंदुस्तान के कांग्रेसी सफाई नहीं लड़ रहे हैं, अरब कंट्री से पैसा, कांग्रेस का पैसा, चाइना का पैसा। क्या कहना चाह रहे हैं आप? हाँ मुझे एक ब्रेक लेना पड़ेगा, ब्रेक लेना पड़ेगा, इनको बोलने दीजिए, इनकी बात नहीं आ पाई है, क्या कहना चाहे, खड़े हो जाइए सर। हाँ मैं कहना चाहता हूँ, ये सपा के जो प्रवक्ता हैं बोल रहे हैं बार बार बेरोजगारी, और कांग्रेस वाले भी बोलते हैं बेरोजगारी, जो विकास कर रहा है अभी देश, क्या वो विकास बिना रोजगार के चल रहा है? वो पूरा देश अभी जो देश से हम आ रहे हैं, जिस रास्ते से हम गुजर रहे हैं, जिस रेल को हम देख रहे हैं, क्या हमने देखा है? क्या वो बिना रोजगार का चल रहा है? और एक बात और, क्या वो रोजगार जो ठेला वाले हैं,
जो रिक्शा पुलर हैं उनके लिए पेंशन योजना है, अटल पेंशन योजना, क्या वो जानते हैं? मैं उसका जवाब, उन्होंने प्रचार किया, मैं जवाब लेता हूँ। एक बार फिर से अपने दर्शकों का मैं स्वागत करना चाहूंगा। कुछ तकनीकी खामी की वजह से मैं स्टूडियो से कनेक्टेड नहीं था, अभी अब वहां से मेरे पास आवाज आ रही है। कौन बनेगा प्रधानमंत्री कार्यक्रम आप देख रहे हैं वाराणसी से, और चूंकि यहां लोगों के पास कहने के लिए बहुत कुछ होता है तो ब्रेक के दौरान भी मैं यहां कुछ लोगों से बातचीत कर रहा था। मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन एक परिवार यहाँ पर नजर आ रहा है, पति पत्नी है, दो बच्चे हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग बैंगलोर से हैं। बेंगलुरु से आए यहाँ पर जी। अच्छा, क्या माहौल नजर आ रहा है इस बार? चुनाव भी है, बनारस कैसे देख रहे हैं आप? इतना परिवर्तन हुआ है, मैं 5-10 साल पहले आई थी कि इतनी गंदगी थी यहाँ, या ऐसा बिल्कुल भी माहौल नहीं था। आज और पहले में बहुत ही अंतर हो गया। मैं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी से कहना चाहूंगी कि क्या ये पचड़े में पड़े हुए, उम्र हो गई है, अयोध्या जाए, हम लोग भी होके आ रहे हैं, या घूमे। सुन रहे हैं, आ रहा हूँ आपके पास। ये लोग बेंगलुरु से आए हैं, कह रहे हैं बदल दिया गया बनारस को। और ठीक है, जॉब के बारे में, जो पढ़ा लिखा है उसको जॉब मिल जाता है। मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मैंने पढ़ाई किया इधर से ही, मुझे जॉब मिला, मैं जॉब कर रहा हूँ, आराम से कर रहा हूँ। अच्छा, जॉब कर रहे हैं आप? इधर किसी कुछ कहना, अपनी बात रखनी है। बोलिए, क्या कहना चाह रहे थे, बोलिए। अभी हम अयोध्या से, कल अयोध्या से आए हैं, हमने वहाँ पे जाके देखा ना कि इतने लोगों को रोजगार मिला है और कहने लायक नहीं। और बनारस में मैं बचपन से यहाँ पे जन्मा भी हूँ और यहाँ से पढ़ा लिखा हुआ, मैं बीटेक के मैकेनिकल हूँ, मैं भी रोजगार करता हूँ, मैं भी मैकेनिकल होकर के मैं पकौड़े बेचता हूँ, लेकिन मैं फिर भी सालाना की आमदनी कम से कम हमारी कोई नहीं, 15-20 लाख रुपए हम सालाना में कमा लेते हैं। बड़ी अच्छी बात है। छोटे बच्चे के साथ कहाँ से आई हुई हैं आप? बनारस से ही हैं आप? क्या होने वाला है इस बार चुनाव में? मोदी को ही जीतना चाहिए। मोदी जी को जीतना चाहिए जी। अच्छा ठीक है, चलिए आप इधर इधर। हाँ, आप कुछ कहना चाह रहे थे, खड़े हो जाइए। मेरा सवाल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के प्रवक्ताओं से, दोनों लोगों से, मेरा व्यक्तिगत संबंध भी इनसे है। इनकी सरकार ने खिलाड़ियों के लिए क्या किया? आज भाजपा की सरकार है, मेरठ से आप देख लीजिए, अनु रानी और पारुल चौधरी, इन दोनों ने गोल्ड मेडल एशियन गेम्स में प्राप्त किया और दोनों को DSP की पद मिली। यही बनारस का खिलाड़ी ललित उपाध्याय शिवपुर का निवासी है, हॉकी का जलवा उसने दिखाया और आज DSP बरेली के पद पे है। क्या सपा कांग्रेस के समय में खिलाड़ी नहीं थे? क्या आप लोग के समय में खिलाड़ी नहीं थे? खिलाड़ियों के लिए आप लोगों ने क्या किया? हाँ बोलिए। मैं मनोज भैया से और कांग्रेस की तरफ से पूछना चाहता हूँ कि जो इनके नेता राहुल गांधी ने कहा कि भारत के हर व्यक्ति के खाते में 1 लाख खटाखट जाएगा, उनको पता है कि देश की GDP क्या है और 1 लाख रुपए से मल्टीप्लाई जनसंख्या क्या है? उनको ये नहीं पता है वो खटाखट कहाँ से करेगा? सर, BHU का सिस्टम पूरा कोलैप्स हो चुका है। मेरा खुद का पढ़ाई, 1 साल के कोर्स में एडमिशन लिए थे, अभी 2 साल हो चुका है, एग्जाम नहीं पड़ा है, कोई किसी का सुनने को तैयार है। सेशन टाइम पे नहीं चल रहा है सर, एकदम बिहार के यूनिवर्सिटीज खराब हालत है। 1 साल का कोर्स, 2 साल में एग्जाम नहीं हुआ है। यार, ये बनारस की तो पहचान है BHU, आप जवाब दीजिए, BJP के नेता है, क्यों ऐसे हालात है? नहीं, विश्वविद्यालय में काफी पहले स्थिति 2014 के पहले बहुत खराब थी, आज की तारीख में ग्रेजुअली, मैं आपको बता रहा हूँ, धीरे धीरे ग्रेजुअली काशी विश्वविद्यालय की स्थिति बहुत सुधरी है। नहीं तो वहाँ पे जिस तरह से गुंडागर्दी थी, वहाँ पे अपराधीकरण था और जिस तरह से भ्रष्टाचार। ये पूछ रहे हैं सत्र लेट क्यों चल रहा है सेशन? हाँ, कई सत्र से लेट चल रहे हैं, तो उसके लिए प्रयास होगा कि निश्चित रूप से विश्वविद्यालय का सत्र नियमित हो। ठीक है, संजीव जी। अखिलेश जी, BHU में नियुक्ति, निर्माण, सुरक्षा में घोर भ्रष्टाचार और इसका जीता जागता, वहाँ चंदन के पेड़ बेचे गए, नाइट्रस ऑक्साइड में 18 लोग मरे, आज डॉक्टर ओम शंकर आमड़हंसन बैठा है। दूसरी तरफ ये लोग जो बात कर रहे हैं, बेंगलुरु से जो लोग आए हैं, पूछना चाहता हूँ प्रज्वल रोहना के बारे में, क्या पूछना है उसके बारे में बात करेंगे? मतलब जनता से भी आपको आपत्ति है, वो अपनी बात रखना चाह रहे हैं, क्या दिक्कत है आपको? सरकार बलात्कारियों को बचाती है भैया, वो एक पूरा परिवार है, वो अपनी बात रखना चाह रहा है, तो उससे भी आपत्ति है आपको? बीटेक करके वो चाय बेच रहा है, एक हमारे बुजुर्ग बैठे थे, कह रहे थे रोजगार बढ़ रहा, पूछे उनसे, उनका लड़का MBA करके चाय बेचे गया, क्या इसको रोजगार कहेंगे? पूछे, बोलिए। देखिए, जो शोर है प्रधानमंत्री का ला रहे हैं नॉमिनेशन करने, और पूरे देश में जो भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल हैं और जो उनके मुख्यमंत्री, उनको बुलाया जा रहा है, ये शो करते हैं। बनारस का विकास कॉस्मेटिक विकास होता है, चेहरे पे बढ़िया पाउडर लगाइए, मस्करा लगाइए, क्रीम लगाइए। आपके जमाने में क्या हुआ था? समाजवादी पार्टी सरकार थी, तब क्या हुआ था? जो ये बात कर रहे थे ना, STP बना था, हमारे ही जमाने में उद्घाटन हुआ था और हमारे जमाने में ही काम शुरू हुआ। मुझे लगता है यहाँ बनारस ना, नहीं मैं दूसरी बात बता दूं, जो लोग भी बात कर रहे हैं, जिस मैं नगर निगम का पार्षद रहा हूं 15 साल, जिस तरीके का भ्रष्टाचार हो रहा है वो सामने दिख रहा है। संविदा जाके पीर न फके बेवाई, क्या जाने पीर पर आई। ठीक है,
आप देख रहे हैं कौन बनेगा प्रधानमंत्री कार्यक्रम, चुनाव का सबसे विश्वसनीय भरोसेमंद शो। और यहाँ की जनता क्या कहना चाह रही है बनारस की, सबसे पहले मैं सवाल उनसे ले लेता हूँ, उसके बाद मैं आता हूँ नेताओं के पास भी। छोटे में क्या बोलना चाह रहे हैं? मैं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूँ कि इन्होंने अपनी सरकारों में कितने युवाओं को रोजगार दिया। और सर ये कहते हैं कि देश में विकास नहीं हुआ, जो हाईवे बन रहा है 96,000 किलोमीटर की सड़कें बनी, रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ, तो इसको कौन करता है? इंजीनियर करते हैं, क्या वो इंसान नहीं है? जॉब क्रिएशन नहीं हुआ, हाउ कैन यू से? देखिए मैं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय से पूछना चाहूंगा कि जब भी चुनाव होता है तो आप अपनी सुविधा के अनुसार कल्टी में आ जाते हैं। जैसे एमपी में चुनाव था तो अखिलेश यादव जी कहते कांग्रेस को वोट मत देना, ये चोर है। और आज यहाँ आकर के आप गठबंधन कर लिए हैं, हम भरोसा आपके ऊपर कैसे करके वोट करें? रही बात इसकी, एक मिनट, आप कह रहे हैं कि 1,00,000 रुपए आप उसके देंगे खटाखट, आप ये बताइए कि जो 1,00,000 रुपए आप देंगे इसका वर्डन किसके ऊपर जाएगा? देश की जनता के ऊपर जाएगा या अपने घर से आप लेकर के आएंगे? इधर से किसी कुछ कह रहा था, हाँ जल्दी से। क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। और हमारे प्रधानमंत्री जी विकास पुरुष है और उनके सिवाय कोई दूसरा प्रधानमंत्री बन ही नहीं सकता। नहीं सकता, हाँ हो गया, बोलिए। हाँ हाँ, जिन लोगों की बात हो गई वो रहने दीजिए, बोलिए इधर से। हाँ 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 सर, हेलो। आप ही भाषण थोड़ी देते रहेंगे, बाकी लोग भी बोलेंगे ना, बाकियों को भी बोलने दीजिए। हाँ हेलो, हो गया। अरे बोलना है तो बोलिए, इतना समय नहीं होता। क्वेश्चन पूछिए, ये बोलिए। हम नीचे आ जाइए। हाँ क्या कहना चाह रहे हैं? कौन प्रधानमंत्री बने? सर मैं बीजेपी के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूँ कि जो प्रज्वल देवना केस और ब्रजभूषण केस रहा है, क्या ऐसी कोई गारंटी है कि आगे ऐसा केस नहीं होगा? बताइए, जो कि मोदी जी के लाल में, क्या ऐसी कोई गारंटी है कि आगे ऐसा केस नहीं होगा? नरेंद्र मोदी। अच्छा ये बताइए प्रधानमंत्री कौन बनेंगे, जरा जवाब दीजिए। प्रधानमंत्री किसको बनना चाहिए? आप सभी लोगों से मेरा सवाल है, इधर आइए, सामने आ जाइए, कुछ बोलना है तो सामने आइए। राहुल गांधी। देश का प्रधानमंत्री चंदा चोर नहीं बनेगा। अमित शाह का बेटा अगर बीसीसीआई अध्यक्ष बनेगा तो देश का बेटा पकौड़ी नहीं चलेगा। भ्रष्टाचारी प्रधानमंत्री नहीं चाहिए, भ्रष्टाचारी मंत्री। और दूसरा, प्रांजल रेवन्ना का क्यों नहीं कांड वो किया? 3,000। हाँ सर, हम एक मुद्दा बोलना चाहते हैं, आइए इधर साइड में आइए। प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए, आप धर्म गुरु हैं, क्या लगता है आपको? धर्म शिक्षा संस्कृति के स्तर पर, राष्ट्र के उत्थान के स्तर पर, देश की संप्रभुता के स्तर पर, सुरक्षा शिक्षा रोजगार के स्तर पर और धर्म के उत्थान के स्तर पर, अभी नहीं आगामी 20 वर्ष तक मोदी जी चाहिए, तो ये लोग तो कह रहे हैं कांग्रेस समाजवादी पार्टी वाले कि घाट का भी तरीके से विकास नहीं हुआ है। नहीं, लोगों का काम है कहना, लेकिन यहाँ आ रहे टूरिज्म से पूछिए, बाहर दूर दराज से लोग आ रहे हैं, जो पूछिए बनारस की व्यापार, बनारस की स्थिति, बनारस का टूरिज्म जो बढ़ा है, वो हम और आप नहीं, यहाँ आने वाले दूर दराज से लोग बताएंगे। बनारस में टूरिज्म बढ़ा है क्या? किसको लगता है बढ़ा है? हाथ उठा के बताइए। मेरा हस्बैंड ट्रैवल का काम है, 300 साल से हम लोग ट्रैवल का काम करते हैं, बिल्कुल नहीं बढ़ा है। आप कांग्रेस की हैं क्या? नहीं, गुजराती। आप कांग्रेस से हैं क्या? वो आप ऐसे क्यों पूछ रहे हैं? आप बीजेपी के हैं क्या? आप बीजेपी के हैं? नहीं, आप बाहर बाहर आ रही, मैं पूछ रहा हूँ आपसे। 100 गुना बड़ा है भाविका से, नाविका से, झूठो मोदी जी। और झगड़ा मत करिए, झगड़ा ये ठीक नहीं है। ये काम ना 30 सालों से कर रहे हैं। सुनिए ना, यहाँ पे अधिकांश नेता पैसा लेके आए हैं, वो अजय राय से रिलेटेड है और कुछ थर्रा वाले लोग बैठे हैं। मोदी जी से अच्छा कोई नहीं। महिलाओं से दर्द बचे, क्या किसी महिलाओं का रेप होता है वो महिला कैसे बर्दाश्त करती है? महिलाओं पीछे से किसी कुछ बोलना है, अपनी बात रखनी, इधर आइए। क्या कहना चाह रहे हैं? आइए, क्या बोलना चाह रहे हैं, बोलिए। प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होना चाहिए, शिक्षित जानकार होना चाहिए। अब ऐसा क्या कि जब चाहे जिसे चाहे उससे बना दे, ये कोई मतलब तो है नहीं। कौन होना चाहिए आपके मुताबिक प्रधानमंत्री? जिला के प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? प्रधानमंत्री राहुल गांधी होना चाहिए। राहुल गांधी, इतनी सीटें आएंगी क्या ऊपर है?
प्रधानमंत्री हमारे सुपर से भी ऊपर हैं, उनमें कोई बदलाव नहीं चाहिए। हमारा सवाल यह है कि अगर कांग्रेस का 300 करोड़ झारखंड में पकड़ा जाता है तो 24 घंटे 3 दिन तक लगातार बाइट दिखाई जाती है। अगर केजरीवाल के प्रति गलत दोषी पाए जाने पर केजरीवाल को जेल भेजा जाता है तो भ्रष्टाचार के संदर्भ में अगर कोई भाजपा और आरएसएस का व्यक्ति करता है तो मैं समझ गया। अरे सवाल समझ गया भाई, हटो। ये कह रहे हैं कि करप्शन के मामलों में आप लोग सिलेक्टिव कार्रवाई करते हैं, विपक्ष के लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं करप्शन के मामलों में, जो लोग सत्ता पक्ष के उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है। सत्ता पक्ष जीरो टॉलरेंस है, भ्रष्टाचार कोई करेगा, पार्टी का हो, भारतीय जनता पार्टी का, विपक्ष का, मोदी जी ने सबके खिलाफ कार्रवाई किया। अंतिम बात कह दूं कि अत्याचार प्रपीड़ित ध्वज के अश्रु सिंधु के बड़वा नल से टुकड़े टुकड़े हुई विभाजित बलिदानी पुरखों की ताती, दुष्कर हुआ धर्म का पालन तब स्वदेश रक्षार्थ देश का नरेंद्र मोदी आया था और 1.7 ट्रिलियन। आप सवाल का जवाब देने के बजाय भाषण ही देने लगे। हाँ बोलिए। देखिए मैं एक मिनट का समय दीजिए, मैं जो छोटे में बोल रहा हूँ, मैं नहीं पता ये आदरणीय गुरु जी कहाँ से आए हैं। अखिलेश यादव जी ने संस्कृत यूनिवर्सिटी के उन्नयन के लिए नया भवन बनाया, दूसरे संस्कृत के लोगों के लिए एक विशेष प्रकार की सुविधा थी कि लोग नौकरी पा जाते थे, लेकिन आज ब्राह्मणों को नौकरी नहीं मिल रही है, सारी नौकरियां पेपर लीक हो गई है। और देखिए ये भाषण और माइक मेरे पास रहने दीजिए, आप अपनी बात रखिए। देखिए महोदय कह रहे हैं ब्राह्मणों की नौकरी, ब्राह्मण किसी के देने पर नौकरी पर नहीं जीता है, ब्राह्मण स्वाभिमान पर जीता है। और नौकरी की बात नहीं है, राष्ट्र नीति की बात है, राष्ट्र सुरक्षा की बात है, उसमें मोदी जी ही शेर हैं और कोई नहीं है। आप लाख भोग सकते हैं, देश चलाने की क्षमता केवल मोदी जी में है। ठीक है। हाँ जी अखिलेश जी, पूरा देश जानता है कि भारतीय जनता पार्टी का पूरा नाम है बंगारू जनता पार्टी, जो 2 लाख जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष रक्षा सौदे में कैमरे में पकड़ा गया वो भ्रष्टाचार की बात करती है। या इसी तरह लगता है जैसे गब्बर सिंह रामचरितमानस की चौपाई सुना रहा हो। पूरब से लेकर पश्चिम तक, हसन मुश्रिफ से लेकर हेमंत बिस्व शर्मा तक, अखिलेश जी एक भी आरोप हमारे मंत्री, केंद्रीय मंत्री, प्रधानमंत्री पर 10 सालों में नहीं लगा है। और सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार कांग्रेस के राज में हुआ है, देश की जनता जानती है। समाजवादी पार्टी अपने समय नौकरी बेचती थी उत्तर प्रदेश में, गुंडा राज था, मुख्तार अंसारी, अतीक अंसारी इनके नेता हुआ। अच्छा ये बताइए, किसी को अपनी बात इधर पब्लिक में रखनी है? सिर्फ नारा आप लोग लगा रहे हैं, अपनी अपनी बात रखिए, क्या कहना चाह रहे हैं बोलिए। हाँ 14 के बाद जितना विकास बनारस में हुआ उतना कहीं नहीं है। घाटों पे आते थे, माटी से जाते थे, आयुष्मान कार्ड बना सबका, घर राशन मिल रहा है सबको, अब क्या चाहिए? नरेंद्र मोदी जैसा कोई प्रधानमंत्री ना है ना होगा आगे, उनका जो एक्सपीरियंस, एक मिनट, उनका जो एक्सपीरियंस है, जो ओरा है, बाकी किसी का नहीं हो सकता है। जिंदाबाद। आपकी बात हो गई सर, आप बहुत बार बोल चुके। सर मैं यही कहनी चाहूंगा कि कृपा बर प्रभु राम सियाराम से बनल है, जोड़ी हमेशा बनल है। हम भी गरीब है, कुछ पाते नहीं है, जब से ये दोनों लोग आए हमको बहुत अच्छा लगता है। कृपा बनाता हूँ कि ये दोनों हमेशा जोड़ी बनल है, हम जैसे गरीब लोग बहुत खुश है, हमको कोई बात कोई। हम लोग भी मोदी से बहुत खुश हैं, इस बार प्रधानमंत्री बनना चाहिए मोदी जी को। मोदी से खुश है? बिल्कुल बिल्कुल, अभी हाँ बनना चाहिए। कौन होने चाहिए प्रधानमंत्री जी? मोदी जी। हाँ कोई है ही नहीं, कोई नहीं है, नहीं बिल्कुल। दिल भी वही करवाए हैं कि काशी नगरी वो बनवाए हैं सर। समय नहीं, समाज बनारस का विकास नरेंद्र मोदी जी ने किया है, बाकी और किसी भी पार्टी ने नहीं किया है, उनके द्वारा ही होगा, उसी के आगे विकास मोदी जी करेंगे। प्रधानमंत्री कौन हो? नरेंद्र मोदी। ठीक है, अब मेरे पास समय नहीं है, समय नहीं है, समय नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस चर्चा में शिरकत करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटे से ब्रेक लिए हमें रुकना पड़ेगा, लेकिन एबीपी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। और मैं आपको ये भी बता दूं, कल प्रधानमंत्री मोदी खुद यहां आने वाले हैं, रोड शो में हिस्सा लेंगे, उसके बाद नॉमिनेशन है। एबीपी न्यूज ने बड़ी तैयारी की है पूरी कवरेज के लिए, आप जुड़े रहिए हमारे साथ।